Yo, what's up guys? तो आज मैं आ चुका हूँ एक मैराथन रेस करने और ये कोई नॉर्मल रेस नहीं होने वाली। इस रेस में हैं बहुत सारे चैलेंजेस। टोटल 15 लेवल का ये मैप होने वाला है और जैसे जैसे लेवल्स बढ़ेंगे चैलेंजेस और डिफिकल्ट होते जाएंगे। इसमें वॉल क्लाइंब, ड्रम रोल, स्विंग रोप जैसे बहुत सारे चैलेंजेस तो है ही, बट सबसे लास्ट में है ब्रेन फ्रीज, जिसमें मुझे 15 टन आइस क्यूब में से डुबकी मार के बाहर निकलना है। ये रेस बहुत बड़ी होने वाली है और इसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट भी हैं, तो इन्हीं के साथ मैंने फटाफट से वार्म अप करा और चल दिया रेस में। लेवल 1 काफी बेसिक सा था, जिसमें मुझे एक नेट के नीचे से क्रॉस करना था, वो भी जमीन पे रेंगते हुए। लेवल 1 तो थोड़ा सा इजी था, बट लेवल 2 में डिफिकल्टी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जल्दी से चलते कर दूंगा इसे भी। तो लेवल 2 में मुझे काफी अच्छी खासी हाइट पे क्लाइंब करना है और दूसरी साइड में रोप का सहारा लेके उतरना है। पर डर पता है क्या लग रहा है? ऊपर वाले बंदे ने अगर मेरे हाथ में पैर रख दिया ना भाई, मैं नीचे आ जाऊंगा। गिर मत जाना मेरे ऊपर कोई। चलो ये तो बहुत ही इजी था, मजाक में कर दिया भाई। कुछ कुछ बंदे भाई ऊपर जाके अटक गए, उनकी पता नहीं क्यों हाइट से फट रही है थोड़ी। चलो लेवल 3 पे चलते हैं। तो ये है लेवल 3, जो कि थोड़ा अजीब सा, इसके ऊपर चढ़ना है, ये ड्रम सा है कुछ और ये ऐसे घूम जाता है। कर दूंगा ये भी इजी है भाई, मैं सारी चीजों को इजी बोल दे रहा हूँ, बट वो वाला कुछ ज्यादा ही हाइट पे है, वहाँ थोड़ी सी फटेगी बस। फिलहाल अभी ये करते हैं, लेट्स गो। अपनी बारी आ चुकी है। स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस लेवल पे मेरा पैर स्लिप होएगा और मैं पक्का गिरने वाला हूँ, बट बहुत ही इजीली मैंने इसको भी क्रॉस कर दिया। मजाक था ये भी। चलो नेक्स्ट ऑब्स्टेकल भी काफी इजी है, बस मुझे छोटी सी वॉल क्लाइम करनी है। भाई इस लेवल पे तो थोड़ी एक्सपर्ट वाली फील आ गई थी, क्योंकि बाकी लोग को थोड़ा स्ट्रगल लग रहा था और तुम्हारे भाई ने फर्स्ट अटेम्प्ट पे दोनों वॉल क्रॉस कर दी। अब आ चुका है भाई कुछ डेंजर लेवल। ये वाले लेवल में काफी अच्छी खासी हाइट पे चढ़ना है और उतरना है। एकदम प्यार से जाऊंगा और प्यार से आऊंगा। ये लेवल तो मेरे लिए सुपर डुपर इजी था, क्योंकि इसमें अगर मैं गिर भी जाता तो भाई नेट के ऊपर ही आता। इजी पीजी, थोड़ी सी भीड़ती वरना तो और जल्दी कर देते। वैसे ये वाला लेवल भी काफी मस्त था, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, पर ऊपर ना एक बंदा बोला कि अगर मेरा पैर नेट में चला गया, अटक गया उसमें तो क्या होगा, तब थोड़ी बहुत फटीफट कर दिया। अब आ रही है कुछ एक्सट्रीम लेवल की। भाई ये वाला लेवल ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें इधर से भाग कर आना है और इस वॉल पे क्लाइंब करना है और सरफेस काफी डस्टी हो चुका है, तो पैर काफी फिसलने वाले हैं, बट ठीक है ट्राई करते हैं, क्या पता हो जाए। भाई यहाँ पे जाने की तो लाइन ही इतनी ज्यादा लंबी है, समझ ही नहीं आ रहा नंबर कब आएगा, बट मेरा ट्राई रहेगा एक ही बार में कर दूं। सोच के तो मैं यही किया था कि मैं इसे एक बार में कर दूंगा, बट जैसे ही मैंने फर्स्ट ट्राई करा, मेरे भाई शूज बहुत गंदे स्लिप हो रहे थे इस डस्ट पे। खुद ही पकड़ूंगा इसे। तो अभी मैं आ चुका हूँ लेवल 7 पे और ये लेवल में मुझे अपना पिछवाड़ा टिकाना है एक वॉल पे और ऐसे साइड बाय साइड चलते हुए जाना है, और बाय चांस स्लिप हुए तो सीधा नीचे गिरेंगे पानी में, वो भी कीचड़ वाले। अभी तक तो गेम बहुत सिंपल चल रही थी, बट यहाँ से चालू हो चुका था कीचड़ वाला पानी, बट तुम्हारे भाई ने इस लेवल को इजिली कर दिया और पानी से बच गया। हो गया भाई। भाई ये लेवल भी काफी क्रेजी है, इसमें हमें उल्टा लटक कर आना है रस्सी पे और अगर गिरे तो वापस कीचड़ वाले पानी में। ये लेवल मुझे वैसे ही थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा था और तभी मैंने कुछ बंदों को पानी में गिरते हुए भी देख लिया, तो थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था। बट सही बताऊं तो लेवल बहुत आसान था, फुल फोकस करने के बाद, स्ट्रेंथ दिखाने के बाद इजीली पार कर दिया। लगा पता था मुझे लैंड नहीं।
तो मैं आ चुका हूँ अभी लेवल 9 पे और ये है बैलेंसिंग एक्ट, जिसमें मुझे एक ऐसे ब्रिज बना रखा है जो कि थोड़ा बहुत हिल रहा है, तो उस पर बैलेंस करते हुए आना है। और कुछ कुछ लोग गिर भी रहे हैं गंदे पानी में, मुझे नहीं करना है भाई, आराम से कर दूंगा। अब देखो यार, तुम्हारे भाई में थोड़ी बहुत पार्कोर स्किल्स तो है ही, इसलिए ये वाला लेवल भी इजिली पार कर दिया। इजी था ये भी। नेक्स्ट लेवल में मुझे वाटर को क्रॉस करना है, बट ऐसे इन हुक्स पे हैंग होके। अब डिपेंड करता है मेरी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है, क्या पता कर दूं। लेट्स गो ज्वेल। इस लेवल की तो मेरी स्टार्टिंग ही बहुत बुरी हुई थी, बट मुझे फिर भी फील थी मैं इसे पार कर दूंगा, बट मेरे साथ कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। लेट्स गो ज्वेल। अभी तक मैं सब कुछ बहुत पेशेंस से कर रहा था, बट इस पॉइंट पे मैंने एक हुक को दोनों हैंड से पकड़ लिया और मैं बहुत बुरी तरह रोटेट हो गया और फिर कुछ ये हुआ। Come on, come on! Let's go, Joel! देखो, जो लोग भी हंस रहे हैं, ज्यादा हंसने हंसने की जरूरत नहीं है। मेरी सबसे बड़ी गलती पता क्या थी? ग्रिप थी, स्ट्रेंथ थी, पावर थी, सब कुछ था। मैंने गलती क्या करी, सेम वाले को दोनों हाथ से पकड़ लिया और फिर जो मैं रोटेट हुआ ना भाई, चक्कर आ गया, मैं गिरा। मजाक कर रहा हूँ, चक्कर नहीं आया, मैंने दिक्कत होनी थी यार, अभी दोबारा कर लूंगा, बट फेल हो गए तो फेल हो गए, नेक्स्ट पे चलते हैं। गिरा इसलिए भी, मैं घर से नहा के नहीं आता तो मैंने सोचा नहा लेते हैं थोड़ा, कुछ ज्यादा ही नहा लिया यार। काफी सारे डिफिकल्ट लेवल अचानक से आ गए थे, इसी के लिए अभी एक इजी लेवल आ चुका है मस्ती के लिए, और इसमें डूब के नहाना है, बट मैं ऑलरेडी नहा ही चुका हूँ, तो एक स्लाइड मार आते हैं। गाइस, नेक्स्ट चैलेंज है ड्रम रोल, जिसमें ड्रम्स तो लगाए हैं रोल होने के लिए, पर उसके नीचे इतनी ज्यादा कीचड़ है ना, खत्म है भाई। बस मैं ब्राउन होके निकलने वाला हूँ, पता नहीं चलेगा कि मैं उज्ज्वल ही हूँ। कीचड़ में अच्छे से सन चुके हैं और अभी पहचाने नहीं जा रहे, इसलिए भी साफ पानी से नहाने आ गए। भाई मैं तो यहाँ पे मजे से नहाने आया था, पर अभी पता चला इधर भी एक टास्क है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है जो कैसे दूर हो जाता है। भाई मान लिया घर से नहा के नहीं आया, बट इसका मतलब ये थोड़ी हर चैलेंज में पानी में ही जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चैलेंज है, इसके अंदर भी मुझे पानी को क्रॉस करना है, बट मेरे ऊपर नेट रहेगा तो उल्टा लेट के आना है। चलते हैं जल्दी से। चढ़ने से पहले ना मेरा मन कर रहा है एक बार देखाते हैं कि पानी में जब डुबकी लगती है तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है। आ जाओ भाई, ऊपर से भी काफी ठंडा पानी गिर रहा है, तो ऊपर तुम होल्ड नहीं रह सकते, तुम्हें स्लाइड करके आना ही पड़ेगा, और स्लाइड करके आने के बाद काफी कीचड़ हो चुका है, तो तुम्हें शायद आइस क्यूब्स नहीं दिख रही होगी, बट इसके अंदर बहुत आइस क्यूब है भाई। लिटरली पानी में जाते लोगों की ना सांस रुक रही है, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, सब कर लिया है, लास्ट वाला भी कर लेंगे। चलो लेट्स गो। लेट्स गो।
जाएगी भाई। कसम से इतना बुरा नहीं सोचा तो सीधा नहीं खड़ा हो जा रहा। ओह शिट डरती नहीं पता चल रहा कसम से, ये मैं सोच रहा हूँ पता ही नहीं चल रहा मुझे। ब्रेन फ्रीज जन्म फ्रीज थे। थैंक यू थैंक यू। चलो भाई फिनिश करने का मेडल भी मिल चुका है। तो चलो गाइस आज के साली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो भी जरूर अच्छी लगी होगी। और मैं यहाँ छत पे ऐसे व्यू एंजॉय नहीं करने आया हूँ, मैं एक्चुअली हमेशा की तरह आउट्रो करना भूल गया था इसीलिए छत पे आकर बैठा हूँ। बाकी हाँ वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से आके वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो पर एम करते हैं 3 लाख लाइक के लिए, तो जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जा रहा हूँ मैं।